शिक्षक साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा परिषद से सभी लोगों को यह आदेश की इंतजारी थी कि 1 जुलाई 2021 से विद्यालय खुलेंगे और शिक्षकों को क्या कार्य दिए जाएंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो साथियों, COVID-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और देखिए क्या क्या हमें कार्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं कि 1 जुलाई 2021 के बाद हमें विद्यालयों में क्या कार्य संपादित करना होगा और कितने अध्यापक उपस्थित रहेंगे। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहें। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो साथियों, देखते हैं क्या है आदेश। साथियों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की यह आदेश निर्गत है, पत्रांक संख्या 6300-07 28 जून 2021 का, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़। विषय COVID-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक संख्या 2021-22 दिनांक 14 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने, जिसमें शासनादेश दिनांक 30 मई 2021 में उल्लिखित बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति एवं विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति तदनुसार प्रदान की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक संख्या 6346-2021-22 दिनांक 19 मई 2021 द्वारा निर्देश किया था कि कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालय में पठन पाठन की गतिविधियां ई पाठशाला के माध्यम से संचालित रहेंगी एवं विद्यालय COVID-19 संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 30 जून 2021 तक बंद रहेंगे। बेस शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के प्रसिद्धि विद्यालयों में निम्नवत कार्य समयबद्ध रूप से संचालित कराया जाना नितांत आवश्यक एवं अपरिहार्य है। बिंदु पहला है 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना। दूसरा बिंदु, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं अभिभावकों के बैंक खातों में समयांतर्गत प्रेषित करना तथा प्राप्त खाद्यान्न का वितरण कराना। तीसरा बिंदु, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण। चौथा, प्रसिद्धि विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों का पूर्ण कराना। और पाँचवा बिंदु, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन। और छठा बिंदु, जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों का संचालन। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश के निर्देशानुसार में बेसिक शिक्षक परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से आवश्यकतानुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। श्री अशोक कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इन्हीं बिंदुओं पर 1 जुलाई 2021 से खुलने वाले विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कार्य और दायित्व निर्धारित हैं। और साथियों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिए और अपने शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि 1 जून से हमें क्या करना है, 1 जुलाई 2021 से। तो साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।